दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। ऑस्ट्रेलियाई डायरी दल द्वारा भारतीय बिजनेस के साथ संबंधों को मजबूत बनाने संबंधी लुधियाना के निजी होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई दल ने विशेष तौर पर पहुंचकर पशुओं की विभिन्न नस्लों, पशुओं के चारे, दुग्ध उत्पादों व डेयरी विकास को और प्रफुल्लित करने में जरूरी बातों को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकता में भूगोलिक गतिविधियां व मौसम भी अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीक इन इंडिया में 14 औद्योगिक क्षेत्रों से 450 के करीब बिजनेस लीडर्स भारत के प्रमुख शहरों में भारतीयों को सहयोग करेंगे। 7 प्रतिशत शेयर है और जो भारत का एक उस शेयर को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दुनिया में जो है ना सिर्फ 5% जो है ना वो मार्केट होता है, सेल जाता है बाहर। जो 95% है वो अपने आप ही देश में ही कंज्यूम हो जाता है सब देशों में। तो कुछ मुल्कों का एक एडवांटेज है कि वहाँ पे लोकल जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। जैसे न्यूजीलैंड हुआ, वहाँ 95% जो है वो एक्सपोर्ट होता है और 5% क्योंकि पॉपुलेशन कम है और उस हिसाब से अगर देखा है जो सिर्फ 5% जो है वो मार्केट ट्रेड करता है वर्ल्ड में, उसमें करीब 40% उसका हिस्सा जो है वो न्यूजीलैंड के पास है और 7-8% ऑस्ट्रेलिया के पास है। उस हिस्से की बात कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਸਾਡੀ ਫੋਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੂਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।